साला चिचियापा के हद कर देता है, मिठाई लगे दो घंटा नंबर उतना आया नहीं है, मिठाई लगे दो कितना स्थिति से गुजर रहे हैं, मेरे घर में भी तबियत खराब चल रहा था सर, पैसा नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग्स। तो गाइज कैसे हैं, आई होप आप अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, हम भी फिलहाल ठीक है। गाइज आपको पता है कि मैं पिछला बार अपने शहर जिला औरंगाबाद में गए थे तो वहाँ पे मेरा काम नहीं हुआ था, जो भी काम था आपको तो पता ही होगा, मैं दिखाया था वीडियो में। तो गाइज फिर से हम लोग जा रहे हैं, दोनों भाई और एक इसका दोस्त है इसी गाँव के, और हम लोग तीन लोग जा रहे हैं इस गाड़ी से और देखते हैं आज काम होता है या नहीं, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं रहता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गाइज हम लोग तीनों जाते हैं वहाँ पे कॉलेज में जाते हैं और दिखाते हैं आपको। गाइज जाते समय तो दिखाई दिया था आपको, आप पूरा आज कॉलेज का पूरा व्यू दिखाएंगे जिस तरह का कॉलेज है, क्योंकि आपको अंदर से नहीं मैं दिखाया हूँ, और जो भी शहर का लोकेशन होगा सब दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइज फाइनली हम लोग अपने कॉलेज में पहुंच चुके हैं, जिस कॉलेज का नाम है राम लखन सिंह यादव कॉलेज, और मैं आपको कई बार बता दिया हूं यहां पे आ गए हैं, और पता नहीं बहुत बड़ा कॉलेज है तो पता नहीं कहां पे मिलेगा कहां मिलेगा, तो पहले पूछने पड़ेगा जाकर, तो पूछते हैं और लेते हैं, फिर यहां से निकलते हैं, सिन्हा कॉलेज में भी काम है तो चलिए लेकर निकलते हैं। और कहा तो गाइज बहुत ही मतलब परेशानी हो रहा है इधर से उधर जाने में और नहीं मिल पा रहा, देखिए कब मिलेगा। अंदर रुक रहा है गुफा, इसके अंदर भी रूम है, इसके अंदर भी गए थे, ऊपर से दिखाते हैं नज़ारा ऊपर है फिलहाल। तो गाइस जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था वो मिल गया, देखिए मेरा मार्कशीट है 12 का, मैं पास किया था इसी कॉलेज से यादव कॉलेज, लेकिन बहुत ही घटिया कॉलेज है। गाइस मैं आपको बता दूँ कि बड़ी मेहनत से यार मुझे पैसा जुगाड़ करने पड़ता है, 200-250 रुपया कितना मेहनत करने पड़ता है, पापा कमाते हैं कुछ भी कमाते हैं तो, और मैं यहाँ दो दिन से आया तबाह हो गया, पैसा खर्चा करके चले गए। और देखिए आज ऐसा हुआ कि मतलब गलती से मेरे से पैसा निकल गया, मतलब ज़्यादा धोखड़ी से, तो बोल रहे हैं कि मुझे मिठाई लाते हो तो ये दो फलान दो, देखो चुतियापा काम तो ढंग से करते नहीं है किसी, सलाह चुतियापा के हद कर देता है, मिठाई लगे दो घंटा नंबर उतना आया नहीं है, मिठाई लगे दो कितना स्थिति से गुजर रहे हैं, मेरे घर में भी तबियत खराब चल रहा था सर, जो पैसा नहीं है ये फलान ढकान ले छोड़िए, और फिर से मुझे 250 रुपया और देने पड़ेगा, इन्हें ले मिठाई लगे 100 रुपया 20 रुपया ऐसे 30 रुपया करके सब अपने आप को ही टूटने में लगे। तो चले चलते हैं और कुछ काम है यहाँ पे। तो गाइज मेरा सारा काम हो गया, लेकिन काम करते करते मेरा एक रसीद था एडमिशन का, जो 2020 में एडमिशन लिए थे और वो रसीद भूल गया था, और उसको खोजने में मुझे काफ़ी समस्या हो गया, ऊपर नीचे करते करते टाइम बीत गया भी, और मुझे सिन्हा कॉलेज में भी जाना है, और 2 बज गया, देखिए वहाँ काम होता है या नहीं, मेरा ही काम में समय बीत गया बहुत ज़्यादा, अप डाउन ओपन करना पड़ता है यार, काम थोड़ी हो जाता है एक बार में। तो चलिए अब फिर चलते हैं सिन्हा कॉलेज में डायरेक्ट, यहाँ काम हो गया है, जो भी कॉलेज का लोकेशन था मैं दिखा दिया आपको। तो गाइज हम लोग सिन्हा कॉलेज में एंट्री कर चुके हैं, और सिन्हा कॉलेज में इसका काम है मैं तो बता ही दिया हूँ, और गाइज यहाँ पे यार पानी पड़ रहा है, देखिए मेरा बाल देखिए पूरा भींगा है, मेरा शरीर भी भींगा हुआ है, मेरा जो डॉक्यूमेंट था वो भी भींग गया था, लेकिन बट अभी उसको रख दिया है गाड़ी में, मेरा काम हो गया तो अभी ले लिया है अपना, और देखिए इसका भी काम जल्दी हो जाए तो ठीक है, क्योंकि निकलना है घर भी, क्योंकि 3 बजने वाला है, और खुला है कॉलेज यही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सोचिए कॉलेज भी बंद हो जाएगा, तो चलिए लेकर फिर घर निकलते हैं। और साथ में वाइफ को सामान लेगा, और बहुत नौटंकी कर रहा है उसको, गाड़ी दे रहे हैं चलाने के लिए तो सारा मतलब उड़ा दे रहा है, जो कि गलत है, हम गाड़ी बहुत आराम से चलाते हैं। गाइज इसका एक काम नहीं हुआ, एक कुछ होता है नंबर बुला देते हैं, ASLC ऐसा कुछ होता है, मेरा मिल गया इसका नहीं मिला है। तो गाइज इसका भी मार्कशीट मिल गया और मेरा भी तो मिल ही गया, आपको देख ही लिए हैं, और गाइज मार्कशीट की बात कर ले तो मेरा नंबर आया था 285 मेरा था, इसका तुम्हारा कितना है 265, मतलब मेरा इतना आने कम आने का मकसद ये था कि हम मतलब फर्स्ट ईयर का कोचिंग किए थे और सेकंड ईयर के नहीं किए थे, गरीबी हालात के कारण बीच में मुझे अपना पढ़ाई छोड़ने पड़ा था और जाने पड़ा था बाहर दिल्ली, और दिल्ली ही जाकर मतलब 6 मंथ काम किए थे, बीच में पढ़ाई अपना छोड़ दिए थे, मेरा सर फोन मतलब ध्यान देते थे पढ़ाने के लिए बोलते थे भी, लेकिन फिर भी घर की स्थिति को देख कर, घर नहीं देखे थे यार,
घर की स्थिति को देखकर मैं दिल्ली चल गया था, वहीं पे काम किए कुछ दिन, कमाए थे भी 20-30 हज़ार रुपये कमाए थे, ताकि कुछ घर वालों को राहत मिला। तो गाइस इसी की वजह से मुझे नंबर 285 मिला। हालांकि 285 ठीक ही है, और इंग्लिश में मेरा 72 या 73 नंबर ऐसे आया था, और सब मतलब उतना नहीं याद है, मैं उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो है ऐसे ठीक ही है, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर किया था, सेकेंड ईयर नहीं किया था। तो गाइस सिन्हा कॉलेज का मैं व्यू पिछले बार भी दिखाया था, यहाँ थोड़ा दिखाना नहीं चाहता हूँ। और गाइस कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस वीडियो कहीं प्रिंट करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था, होते जा रहा है। तो बाय बाय।